अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाहीन और ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल कुक विद शाहीन। आज मैं व्यूअर्स आपके साथ बहुत ही मज़ेदार सब्जियों की बिरयानी बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूं। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करें। चले बहुत ही मज़ेदार वेजिटेबल बिरयानी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कढ़ाई में हम 1/4 कप तेल ऐड करेंगे, साथ ही हम प्याज ऐड कर देंगे। 2 लार्ज साइज़ के प्याज हैं, स्लाइस में काट लिया था मैंने। सबसे पहले प्याजों को थोड़ा सा फ्राई करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त और झटपट बनने वाली बिरयानी है सब्जियों की और जायके में बहुत ही लाजवाब है। प्याज को हमने थोड़ा सा फ्राई कर लिया। 1 टेबल स्पून अब इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड कर दिया है। प्याज और जिंजर गार्लिक पेस्ट को थोड़ा सा फ्राई करेंगे। व्यूअर्स, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें। साथ ही हम टमाटर ऐड कर देंगे। 3 से 4 अदर टमाटर हैं, दरमियाने साइज में मैंने कट करके ऐड कर दिया है। 2 टेबल स्पून भर के बिरयानी मसाला ऐड करेंगे। बिरयानी मसाला आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। 1/2 टीस्पून सुरख मिर्च पीसी हुई ऐड कर दिए। 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे और लास्ट में हम नमक ऐड करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी बिरयानी मसाले में भी काफ़ी स्पाइसेस होते हैं, नमक भी होता है, इसलिए हम बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और थोड़ा सा मिक्स करेंगे अच्छे से। साथ ही हम दही ऐड कर देंगे 1/2 कप। दही को मैंने थोड़ा सा बीट कर लिया था। अच्छे से मिक्स करेंगे दही ऐड करने के बाद। अब दही का पानी थोड़ा सा खुश्क करेंगे। 3 से 4 मिनट के लिए आपने कवर कर देना है। साथ साथ भुनाई करनी है मसाले की। मसाले की बुनाई हमने कर ली है, अब इसमें वेजिटेबल ऐड करेंगे, आलू, मटर और गाजरें, और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे इमली और आलू बहारा, जिससे फ्लेवर और भी लाजवाब हो जाएगा। सब्जियों की बिरयानी में आप अपनी मर्जी से कोई भी सब्जी ऐड कर सकते हैं। आप इसमें फूल गोभी भी ऐड कर सकते हैं, मूंगरे भी ऐड कर सकते हैं, जो भी सीज़न में सब्ज़ी आए आप सब वो इसमें ऐड कर सकते हैं जो आपको पसंद है। सब्ज़ी ऐड करने के बाद मीडियम फ्लेम पर सब्जियों को थोड़ा सा पका लिया है। आधी सब्ज़ी हमारी पक चुकी है, आधे से ज़्यादा। अब इसमें बंद गोभी ऐड करेंगे, बारीक कटी हुई, साथ थोड़ी शिमला मिर्च है। बंद गोभी और शिमला मिर्च आपने 1/2 सब्जियों को कुक करने के बाद ऐड करना है, चूँकि सब्जियों में बंद गोभी थोड़ी सी खड़ी खड़ी अच्छी लगती है। हरा प्याज ऐड करेंगे, यानी स्प्रिंग अनियन। ग्रीन पार्ट भी ऐड कर दिया, हरा पार्ट भी उसका ऐड कर दिया है। हरा धनिया भी साथ ही ऐड कर देंगे, हरी मिर्ची भी ऐड कर दी है। अब थोड़ा सा मिक्स करेंगे। चावलों को मैंने डन कर लिया है। चावल तकरीबन 2 गिलास हैं भर के मैंने लिए हैं। चावलों को बॉयल कर लिया था, तकरीबन ये 80% चावलों को मैंने बॉयल किया था उसमें। साथ ही हम फूड कलर ऐड कर देंगे, ड्राई वाला फूड कलर भी आपने ऐड करना है। चावलों को बॉयल करने के बाद 80% मैंने बॉयल किया था, उसके बाद छन्नी में रख दिया। उसके बाद पानी इसका ड्रेन हो गया। ड्रेन करने के बाद आपने किसी खुले परात में आपने चावलों को निकाल देना है। इस तरह चावलों में चावल हमारे खिले खिले बनेंगे और आपस में जुड़ेंगे नहीं। साथ ही आपने फूड कलर भी ऐड कर देना है, ड्राई भी ऐड करना है और दूसरा भी। चावलों को जब आपने बॉयल करना है, देखिए अब चावलों की तह हम लगा रहे हैं। सब्जी हमारी अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी हुई, गल चुकी हुई है। जब भी आपने चावलों को बॉयल करना है, अगर आप बिरयानी राइस बना रहे हैं, चिकन बिरयानी या वेजिटेबल की बिरयानी बनाते हैं, या सब्जियों की आप बिरयानी बनाते हैं, तब आप जब भी चावलों को बॉयल करें खुले मुवल देशकी में करें और नमक उसमें ज़्यादा ऐड करें। जैसे मैंने नमक ऐड ज़्यादा किया था, इस तरह फिर नमक जो है वो बैलेंस हो जाता है। लास्ट में फिर से आपने ड्राई फूड कलर ऐड करना है। अगर आपको नहीं पसंद है तो आप स्किप कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार सब्जियों वाली बिरयानी हमारी तैयार है। देखिए कितने खिले खिले चावल बने और जायके में बहुत ही लाजवाब है। आप ये बिरयानी जो है सब्जियों की बिरयानी दावतों में बना सकते हैं, यकीन करें फ्लेवर में बहुत ही लाजवाब है। मेरे घर में तो बच्चे बहुत ही शौक से पसंद करते हैं, शौक से खाते हैं। बहुत ही मज़ेदार फ्लेवरफुल सब्जियों की बिरयानी तैयार। उम्मीद है आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।